हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसे हमारा प्लांट फाइबर जो था, हमको क्या, हम देखो किस भी बात करने वाले, हम लोग सिर्फ प्लांट का जो फाइबर्स है, उस प्लांट फाइबर से हमको कैसे क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं, ऐसी चीज़ें क्या क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो पैरेन्काइमा होता है, जो पैरेन्काइमा होता है, सेकेंड हमारा था, ये फर्स्ट था पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा था कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और तीसरा हमारा क्या था, हमारा स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा था हमारा स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो पैरेन्काइमा था, बीच का जो स्पेस था, बीच का जो स्पेस था, जो जगह थी, उसको फिल करने के लिए काम आया था। और पॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का काम एक ही था कि सपोर्ट का काम था, सपोर्ट और रिजिड का काम था। क्लियर? अब देखो यही सब जो चीजें होती है ना, एक ऐसी पतली पतली सी टिश्यू तो है, टिश्यू तो है, टिश्यू है, मतलब कि जैसा एकदम शार्प टाइप है, शार्प है एकदम, तो कैसा एकदम धागे जैसा ही है। तो इसी से, इसी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं फाइबर्स को। अब कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से प्लांट से, किधर किधर से कलेक्ट करते हैं, कंप्लीट हम लोग डिटेल्स देख रहे हैं। क्लियर? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमारा कैसे कॉटन कलेक्ट होता है। कॉटन हमारा व्हाइट कलर का जो था, उसका अगर फैमिली की बात करूँ मैं, तो फैमिली हमारा था मालवा से, और जो स्पीसीज था गॉसिपियम था, और उसके अंदर केमिकल कंट्रोल हमारा 90% सेलुलोज था, 77 to 8% हमारा मॉइस्चर था, कुछ वैक्स था, फैट था, ऑयल था, 0.5% तक ऑयल था कुछ, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार आप देख लो, आपको थोड़ा याद हो जाएगा अगर दिखने में कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, क्योंकि जो कॉटन होता है, जो कैसा हो, अगर मुंह पे भी रखोगे तो आपको भी कुछ टेस्ट नहीं मिलेगा, देखने में व्हाइट कलर का होता है, कुछ उसका कुछ ऑर्डर भी नहीं रहता है। क्लियर? प्लांटेशन कलेक्शन अच्छे से देख लेना आप कि कैसे सीड होता है, सीड को ऐसे 5 से 6 फीट के बीच हम लोग उसको शो करते हैं, मतलब एक रो में उसको उगाते हैं। उगाने के बाद उसको फर्टिलाइजेशन अच्छे से देखना पड़ता है, उसका पानी देखना, खाद देखना, सब कुछ एकदम अच्छे से देखने का। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर वो फ्रूट बनेगा, फ्रूट से फिर बाहर निकलेगा, जब ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद बाहर निकलेगा, तो वो कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको छोड़ते हैं, फिर उसमें से स्टराइज करते हैं, मतलब कौन सा खराब है, कौन सा बेकार, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। क्लियर? उसके पहले चलो हम लोग कितना हो गया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा आज का, हमारा आज का, आज का हमारा जो है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, उसका है हमारा सिल्क। क्या है? सिल्क। तो सिल्क के बारे में देखते हैं, सिल्क आप देख रहे हो, बोलते हैं सिल्क का कपड़ा लिए, सिल्क का कपड़ा ले, अरे वहां से जाके लेके आओ, सिल्क का कपड़ा है ऐसा है वैसा है, सिल्क की साड़ियां हैं, सिल्क मतलब कैसा है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बॉडी पे अगर आपको रहेगा तो आपको ऐसा अच्छा फील आता है, तो उसको वो सिल्क होता है। सिल्क थोड़ा महंगा भी होता है एज कम्पेयर टू दूसरा जो भी फाइबर्स होता है। क्लियर? क्लियर? जो देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सिल्क जो होता है नेचुरल, ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर्स है। क्लियर? उसके साथ में ये क्या होता है कि इसका ना ये टेक्सटाइल में यूज होता है। किसमें होता है? टेक्सटाइल्स में इसका यूज करते हैं। क्लियर? उसके साथ में जो प्रोटीन फाइबर्स होता है, जो प्रोटीन फाइबर जो सिल्क होता है, वो किससे बना होता है? फाइब्रोइन से बना होता है। किससे बना होता है? फाइब्रोइन से बना होता है, फाइब्रोइन। और ये बनता किससे, मतलब फाइब्रोइन तो बन गया, लेकिन जो बनता है ये लार्वा से बनता है। किससे बनता है? लार्वा। ये लार्वा, अभी इसका हम लोग पूरा साइकिल देखने वाले, साइकिल मतलब इसका कल्टीवेशन कलेक्शन देखेंगे, उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल देखेंगे। क्लियर? जो लार्वा होता है, लार्वा अपने ऊपर कैसे कैसे कोकून को बनाता है, कोकून बनाने के बाद उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, कंप्लीट हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखो देखो क्या होता है, क्या होता है कि ये जो मलबरी सिल्कवर्म होता है, एक मलबरी एक प्लांट होता है, उस मलबरी के
सिल्क वर्म से मिलता है अपने को, मलबरी, मलबरी सिल्क वर्म से हमको मिलता है, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बॉम्बेक्स, उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी। क्लियर। देखो क्या होता है कि ये कैसा कैसा एकदम पतला पतला धागा जैसा होता है, पतला पतला धागा जैसा होता है, और कैसा होता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल भी प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल प्रेजेंट होता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन होता किससे है, प्रोडक्शन होता किससे है, लार्वा रहता है, लार्वा की ये जो लार्वा रहता है, ये लार्वा से ही क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर। ये जो लार्वा कंप्लीटली, लार्वा कंप्लीटली मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस जो इसका डेवलपमेंट स्टेज है उसको बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि इसको हम लोग फिर इसका एक लाइफ साइकिल होता है लार्वा का, उसी लाइफ साइकिल के पहले ही कंप्लीट लाइफ साइकिल होने से पहले क्या करते हैं हम लोग इसको, बिफोर कंप्लीट लाइफ साइकिल के पहले हम लोग क्या करते हैं इसको, लाइफ साइकिल के पहले क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं, इसका लाइफ साइकिल खत्म होने से पहले क्या करते हैं उसके बीच हम लोग क्या करते हैं इसको कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। क्लियर। देखो देखो कौन कौन सा हो गया, जैसे कुछ आपको पता रहेगा, बीस बी पता रहेगा, बीस ये हो गया, वो उसके बाद आंट हो गई, आंट्स हो गया। क्लियर। सिल्वर फिश हो गई, सिल्वर फिश हो गई। क्लियर। उसके बाद थ्रिप्स हो गया। क्लियर। उसके बाद हमारा एक क्या नाम है उसका, लेस विंग्स हो गया, लेस विंग्स। ये सब चीजों से क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं, ये सब चीजों से क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो अभी देखो ये डिटेल्स था हमारा, ये डिटेल्स था हमारा, डिटेल्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमारा चालू होगा मेन एक्चुअल हमारा कैसा ये बनता है, कैसा हमारा जो जो हमारा सिल्क है वो बनता है। तो इसका अगर मैं बात करूँ, सिनोनिम सबसे पहले आता है, सिनोनिम मतलब इसको क्या बुलाते हैं, तो सबसे पहला तो इसको बोलते हैं एक फाइबर, फाइबर नाम दे सकते हो। दूसरा नाम आपको बहुत इजी लगेगा, थ्रेड, दोनों नाम एकदम इजी है। क्लियर। उसके बाद एक और नाम इसका बहुत अच्छा नाम है, तो मेरे दोस्त उनका भी नाम है मंटुआ, ऐसे कुछ तो नाम है इसका, इसका नाम मंटुआ है। ये तीन चीज आपको, ये दो चीजें याद रखो सिनोनिम में, फाइबर्स या थ्रेड, ये दो चीजें आपको लिए सफिशिएंट है। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स में आता है कि ये किससे, कोकोन से मिलता है, जो फाइबर्स होता है, फाइबर्स ऑब्टेन होता है हमारे कोकोन से, किससे मिलता है कोकोन से, और कोकोन के किससे, कोकोन के किससे, कोकोन के लार्वा से, कोकोन के लार्वा से बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी लिन, बॉम्बेक्स मोरी लिन। क्लियर। और अगर मैं फैमिली की बात करूं, कौन सी फैमिली से मिलती है, ये फैमिली का नाम हमारे मोरासे, फैमिली कौन सा है मोरासे, ये हमारी फैमिली। क्लियर। ये बायोलॉजिकल सोर्स और ये फैमिली। क्लियर। अगर केमिकल कंस्ट्रक्शन की बात करूं, केमिकल कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो जो सिल्क होता है वो प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, और उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फाइब्रोइन। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं फाइब्रोइन, सॉरी दो नहीं रहेगा एक ही रहेगा, फाइब्रियोन, ऐसा फाइब्रियोन। क्लियर। और जो फाइब्रियोन होता है, ये जो फाइब्रियोन होता है, ये क्या होता है, सोल्यूबल रहता है वार्म वाटर में, वार्म वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल रहता है,
सोल्यूबल इन वार्म वाटर, सोल्यूबल इन वार्म वाटर, क्लियर क्लियर। एंड हाइड्रोलाइसिस किसी कहते हैं, ग्लाइसिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, एलानिन हो गया, इसके साथ क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, क्लियर। उसके बाद अगर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात करूं, इधर मैं लिख लेता हूं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करूं, तो ये जो कलर होता है इसका येलो कलर में होता है, येलो कलर में होता है, क्लियर। अगर साइज की बात करूं, साइज की बात करूं तो लगभग ये 1250 मीटर तक, 1250 मीटर तक ये लॉन्ग होता है, क्लियर। उतना तक लॉन्ग हो सकता है। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 5 to 20 माइक्रोन का इसका डायमीटर होता है, 5 to 20 माइक्रोन का इसका डायमीटर होगा। अगर अपीयरेंस की बात करूं तो कैसा दिखता है, तो कैसा होता है, फाइन होता है, एकदम पतला सा थ्रेड थ्रेड जैसा रहता है और स्मूथ होता है, फाइन और स्मूथ रहता है, क्लियर। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था सॉल्युबल होता है हमारे वार्म वाटर में और क्वेक्सम में होता है और कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। तो आप वार्म वाटर लिख लो जो आपको याद रहे, वार्म वाटर, एंड सेकेंड की बात करूं तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। और ये समझ लो कि जो हमारा सिल्क होता है वो स्ट्रेचेबल फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है एज कम्पेयर टू सिल्क की बात करूं, कॉटन की बात करूं, दूसरा और अगर फाइबर की बात करूं तो ये जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है और ये लंबा सबसे ज्यादा होता है कि हमारा ये होता है, क्लियर। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि किधर किधर हमको मिलता है, किधर किधर हमको मिलता है, ये बहुत जरूरी होता है। जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स मतलब कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले तो हमारा इंडिया लिख लो, इंडिया के बाद जो हमारा क्या है चाइना लिख लो, इंडिया चाइना में मिलता है, फ्रांस हो गया, उसके साथ में फ्रांस के साथ में लिखना तो इटली लिख लो, ये सब जगह पे क्या करता है ये मिलता है, चाइना लिखो तो जापान भी लिख लो, जापान भी है, ये सब जगह पे क्या होता है ये मिलता है, क्लियर। उसके बाद अच्छे से ध्यान से एकदम मन लगा के बस जो देखो हम लोग देखने वाले हैं कल्टीवेशन कलेक्शन या इसका प्रिपरेशन, कल्टीवेशन नहीं तो इसका प्रिपरेशन देखो, कल्टीवेशन कलेक्शन बोल सकते हैं लेकिन प्रिपरेशन नाम देखो, क्लियर। प्रिपरेशन में ये समझ ले कि कौन से हम लोगों को मिलता है, कौन से मिलता है। एक काम करता हूँ मैं रफली इसका नॉर्मल डायग्राम बना देता हूँ, रफली डायग्राम बनाते बनाते मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर। देखो एक ये लीफ हो गया, एक ये लीफ हो गया, लीफ के ऊपर हम लोगों इसके ऊपर क्या करेंगे एक रख देंगे, क्या करेंगे एक रख देंगे, ये बीच के लीफ का बना दू रेड वाला, ये कैसा हो गया लीफ, ये लीफ है, लीफ के ऊपर क्या रख दिया हम लोगों ने, लीफ के ऊपर दोस्तों हम लोगों ने क्या रख दिया एक, एक रख दिए। अब एक क्या करता है कि देखो, अब थोड़ा थोड़ा चीज में लिखते जाता हूँ नीचे, थोड़ा थोड़ा चीजें लिखते जाता हूँ। तो पहला जो पॉइंट बनेगा ये समझ लो कि हमारा जो एक ग्राम, वन ग्राम ऑफ जो सिल्क वर्म का जो एग रहेगा, एक ग्राम एग है तो एक ग्राम एग में, एक में वन ग्राम एग में हम लोगों को 15,000 एग मिलता है। एक ग्राम अगर सिल्क वर्म का एक रहेगा तो उसके अंदर कितना रहेगा 15,000 एग्स रहेगा, जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, अगर नेकेड आई से देखेंगे तो उतना पूरा दिखेगा भी नहीं,
क्लियर। और इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे। क्योंकि रख देंगे इसलिए कि वो जल्दी से मतलब बाहर ना आ जाए और इमेच्योर ना हो जाए, इमेच्योर डेवलपमेंट ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं इसको जीरो डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। क्लियर। अगर सेकेंड की बात करूं मैं, सेकेंड स्टेप की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि जो सिल्क वर्म होता है, एक मलबरी लीफ होता है, ये जो लीफ का नाम है इसका नाम है मलबरी लीफ। इस मलबरी लीफ पे क्या होते हैं इसको रखते हैं, मतलब मलबरी लीफ पे है, अब मलबरी लीफ पे है, मलबरी लीफ पे है, अब ये क्या करेगा, ये दिन रात इसी को, अब इधर तो बड़ा होना इसको, तो इसी को बड़ा बड़ा होने के लिए इसी जो लीफ रहेगा इसी लीफ को खाना चालू कर देगा, इसी लीफ को खाना चालू कर देगा। तो अब इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लार्वा, ये हमारा क्या है लार्वा, ये हमारा हो गया लार्वा, लास्ट में ये हमारा हो गया लार्वा। अब ये यहां से पूरे पत्ती को खा गया, पूरे लीफ को खा गया, लीफ को खाने के बाद क्या हो जाएंगे, ये लार्वा बन गया, जो लार्वा बना है पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये लार्वा। अब क्या करेगा, लार्वा बनने के बाद अब थोड़ा सा ये डेवलप होगा, थोड़ा सा ये डेवलप होगा, डेवलप कैसा हो जाएगा, ये आपने देखा रहेगा इस फेज में ऐसा जो कुछ बने हुए रहते हैं, इधर इसका मुंह हो गया, इधर इसका ये सब हो गया, इधर इसका थोड़ा सा हल्का हल्का पैर बना देता हूं, क्लियर। ये इसको कहां कहां रख दिया हम लोगों ने, हम लोगों ने कहाँ रख दिए लीफ पे, वो क्या कर दिया उसी लीफ को खा गया, उसी लीफ को खा गया, और खाया किस लिए, खाया इसलिए कि अब उसको बड़ा होना है, तो क्या बन गया लार्वा। लार्वा बनने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा और बड़ा बन गया, जब इतना बड़ा बनता है, जब ये इतना बड़ा ये बन गया, अब पहले इसके बाद यहाँ तक बनने तक का देखो एक बार सफर देख लो, क्या होता है कि ये क्या होता है इसका कलर चेंज होता है, ये क्या होता है कि जैसे जैसे इसके हेड का कलर जो चेंज होता है, हेड का कलर चेंज होगा, तो जैसे हेड का कलर कैसा हो जाएगा, डार्कर हो जाएगा, जैसे हेड का कलर इसका डार्कर हो जाएगा, तो ये समझ लो कि डार्कर होगा, तो मतलब ये समझ लो कि ये जो माउल्ड इसका था ये बढ़ना चालू हो गया, माउल्ड से क्या हो गया बढ़ना चालू हो गया, और ये चार बार चेंजेस होता है इसका, जो चेंजेस होता है माउल्ड का जो चेंजेस होता है ये चार बार उसी टाइम में चेंज हो जाता है, एक बार चेंज हुआ, दो बार चेंज हुआ, ऐसे चार बार वो चेंज होता रहता है अपनी साइज में, क्लियर। और इसको फटाफट फटाफट बड़ा होने लगता है, तो ये समझ लो कि ये कितना ना जब इतना टाइम में आते आते 4 सेंटीमीटर का होता है, ये कितना 4 सेंटीमीटर तक हो गया, ये 4 सेंटीमीटर होने के बाद क्या करेगा, ये 20 to 25 times जो खाना रहेगा उसको खाना चालू कर देगा। मतलब अभी अगर ये 4 ग्राम का है, समझ लो 4 ग्राम का है, तो ये अपने वेट का 20 times खाना चालू कर देगा, मतलब 80 ग्राम्स तक खाना चालू कर देगा, 80 ग्राम्स 100 ग्राम्स तक ये डेली का खाना चालू कर देगा। जब ये खाना चालू कर देगा तो क्या करेगा, इसका साइज फटाफट बड़ा हो जाएगा, जैसे इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा अच्छे से डेवलप हो गया। ये डेवलप होने के बाद क्या करेगा, अपने आप को ना एक धागे जैसा ऐसा कुछ धागा रहेगा उसके साथ क्या करेगा, इसको कवर करेगा। अब क्या हो जाएगा, मैं ऐसा बनाता हूँ, ये देखो इसी को बोलते हैं कुपोन, इसी बोलते हैं कुपोन, कुकून, ये बोलते हैं कुकून, COCOON, इसको बोलते हैं कुकून, और इसी के अंदर क्या होता है बैठता है, इसी के अंदर क्या होता है बैठता है, ये क्या करता है अपने ऊपर ना बहुत सारा धागे नुमा ऐसे पूरा लपेट लेगा, ऐसे धागा बना बना के पूरा लपेट लेगा। और ये कितना टाइम लगाता है, और ये कितना टाइम लगाता है, 3 दिन लगाता है, कितना दिन लगाता है, 3 दिन लगाता है। जैसे 3 दिन लगाएगा ये पूरा अपने आप को पूरा लपेट लिया, लपेटने के बाद दोस्तों क्या कर देगा कि अब ये 7 दिन तक लोग इसका इंतजार करेंगे, 7 दिन बाद क्या करेंगे ये चेंज हो जाएगा, ये 7 दिन बाद चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रैशिलाइट्स, CHRYSALIDES, क्रैशिलाइट्स, इसमें चेंज हुआ, जैसे इसमें चेंज हुआ इसको हम लोग तुरंत कर लेंगे कलेक्ट करने के बाद ये भाई साहब को क्या करेंगे हम लोग, बॉइलिंग वाटर होती रहेगी,
बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या करेंगे इसको डाल देंगे, एकदम खौलता पानी रहेगा उसी के अंदर क्या करेंगे इसको डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे इसको मार देंगे। क्योंकि खौलता पानी है, अभी हम लोग कोको में बना लिए भाई साहब, हमको काम नहीं है, अब हमको इससे मतलब है, हमको सिल्क चाहिए। अब सिल्क चाहिए तो उसको लेते हैं, गर्म पानी एकदम करते हैं, गर्म पानी के अंदर क्या करेंगे इसको डाल देंगे, इसे गर्म पानी के अंदर डालेंगे क्या करेगा मर जाएगा। जो सिल्क वर्म होता है ये क्या करेगा मर जाएगा, मर गया। अब जब मर गया तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर ये मारते नहीं, हम लोग मारते नहीं तो क्या करता, अगर ये कुकून, अगर एक कुकून से अगर बाहर निकलता खुद सिल्क वर्म तो क्या करता, ये निकलने के लिए ना ये पूरा जो एरिया था ना ये पूरा एरिया एकदम कट कर देता बारीक बारीक कट कर। अगर ये सिल्क को कट कर दिया तो जो सिल्क था हमारे कुछ ही काम का नहीं रहता, हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसके लिए उसको कट करने से, उसको बाहर निकलने से पहले क्या करते हैं हम लोग उसको मार देते हैं, मारते हैं फिर उसमें क्या करेंगे मारने के मारते कैसे हैं? गर्म पानी डालकर उसी में डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग सिल्क को कलेक्ट करेंगे, सिल्क को जैसे कलेक्ट करेंगे फिर उसमें उसको वॉर्म वाटर में डालेंगे, वॉर्म वाटर में डालने के बाद जो गम रहेगा जो उसको स्टिक किया था उसको वो भी अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। और लेकिन कलेक्ट करते टाइम हम लोग ये बात का ध्यान देते हैं कि कुछ जो रहते हैं कुकोन्स, कुछ जो कुकोन्स रहते हैं हमको वो ऐसे थोड़े थोड़े छोड़ देते हैं। अगर समझो यहाँ 100 है, अगर 100 है हम लोग 90 कलेक्ट कर लेंगे और 10 को क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर 10 रहेंगे तभी तो आगे जाके हमको फिर से कुकोन मिलेंगे, नहीं तो हम पूरा हम लोग खत्म ही कर देंगे तो आगे बनाएंगे क्या। इसलिए 90 को हम लोग यूज कर लेंगे और 10 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जैसे फिर से वो उसका डेवलपमेंट होगा फिर से उसका साइकिल चलेगा, फिर से हम लोग उसमें 90 में 90 करेंगे फिर 10 छोड़ेंगे, फिर ऐसे हम लोग को वो साइकिल चलता रहता है। क्लियर क्लियर। देखो यही यही कंप्लीट इसका डिटेल्स था, क्लियर। उसको छोड़ देंगे फिर उसका धीरे 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 जो कोकोन्स रहता है उसको हम लोग छोड़ देंगे, जो फीमेल्स रहती है वो नियरली 500 एग को एक बार में क्या करती है निकालती है, और उसको फिर उसको क्या करेंगे हम लोग स्टोर किए रहते हैं, स्टोर करने के बाद उनको जरूरत रहती है उसको फर्टिलाइज कर देंगे, उसको मतलब आगे डेवलपमेंट कर देते हैं, क्लियर। अगर सिल्क की बात करूं मैं, उसका यूज क्या होता है, अगर सिल्क का यूज आपको पता ही रहेगा सूचर बनाने के लिए काम आता है, इसके लिए सूचर के लिए पहला काम ये हो गया, दूसरा काम क्या हो गया लिगेचर्स, सूचर लिगेचर हम लोग अभी देखेंगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, सूचर लिगेचर, क्लियर। सूचर क्या होता है, लिगेचर क्या हो गया, क्लियर। उसके बाद आपको आपको पता है फार्मास्यूटिकल में बहुत सारा इसका काम होता है, क्लियर। और कुछ इन्फेक्शन हुआ है ये सब हुआ है तो उसको उसमें भी यूज करता है, कुछ चाइनीज मेडिसिन रहता है उसमें भी यूज करते हैं सूचर लिगेचर से, समझ लो ऐसे यूज करता है, कपड़े वपड़े में भी इसको यूज करते हैं, क्लियर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अच्छे से रहो, खुश रहो, आबाद रहो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड थैंक यू।